विश्वास की जीत। एक गांव में माधवन नाम का बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बड़ा दयालु था। वो हर रोज गरीबों को भोजन देता था। लक्ष्मी नामक एक गरीब औरत उसे दही लाकर देती थी। देखो लक्ष्मी, रोज की तरह कल भी मुझे एक मटका दही लाकर देना। जरूर साहब, कल सुबह जल्दी ही लाऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे दिन लक्ष्मी की गाय ने बहुत कम दूध दिया, जिसके कारण वो एक मटका दही नहीं बना सकी। जब वो माधवन के घर पहुंची, अरे ये क्या, ये दही तो बहुत कम है, फिर कभी यहाँ मत आना, जा नदी में जाके डूब मर। बेचारी लक्ष्मी इतनी भोली थी कि उसने सीधे जाकर नदी में छलांग लगाई। नदी की गहराई में उसने एक आवाज सुनी, रुको, ये दही का मटका लो, इसमें से दही कभी खत्म नहीं होगा, जितना तुम निकालोगी उतना ही ये मटका फिर से भरेगा, जाओ और उस आदमी को ये दही देकर खुश करो। लक्ष्मी वो मटका लेकर माधवन के घर गई। तू फिर यहाँ आई, ये मटका भी मेरे लिए काफी नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। जरा सुनिए तो, इस मटके से मैं आपको जितना चाहे दही दे सकती हूँ। मुझे मूर्ख बना रही हो, ये कैसे हो सकता है, मैं तुझ पर यकीन कैसे करूँ। लक्ष्मी ने उसे सारी कहानी सुनाई। अगर ये सच है तो चलो इस बड़ी बाल्टी को दही से भर दो। लक्ष्मी ने मटके से दही उस बाल्टी में डाला, बाल्टी पूरी भर गई। माधवन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने घर के सारे बर्तन इकट्ठा किए, लक्ष्मी ने उन सबको दही से भर दिया। आखिर लक्ष्मी तुम तो महान हो, ईश्वर ने ही तुम्हें दही का ये मटका देकर तुम्हें संकट से बचाया होगा, तुम्हारा विश्वास अटल है। विश्वास की कभी हार नहीं होती।